भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला बस्तर द्वारा आज सेंट्रल मार्केट में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, अत्याचार और बलात्कार के खिलाफ एक दिवसीय धरना दिया। महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री दीप्ति पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, आदिवासियों समेत समाज के हर वर्ग के खिलाफ संगीन अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। विभिन्न वर्गों की महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य मामलों में चिंताजनक वृद्धि पर कांग्रेस सरकार न केवल पूरी तरह खामोश है, बल्कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक इसे छोटे अपराध कहने से नहीं झिझकते। ऐसा ही एक मामला जसपुरा जिले में सामने आया है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले बस्तर संभाग के केशकाल में भी ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी। दीप्ति पांडे ने बताया कि यदि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार शोषण कम नहीं होते तो सड़क से सदन तक हल्ला बोल के तहत दूसरी कड़ी में विधानसभा का घेराव भी महिला मोर्चा करेगी। वहीं इस विषय पर सांसद प्रतिनिधि कमल जज ने इस आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांक ले। यूपी के हाथरस का उदाहरण देते हुए कहा कि इस महिला उत्पीड़न पर यूपी में अब तक जांच भी नहीं हुई है। आज 2 साल से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई है, लेकिन अभी तक उन्होंने महिलाओं के विषय में न कोई पॉलिसी, न महिलाओं के विषय में कोई योजना, न कोई बजट है इनके पास, और इतने ज़्यादा आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में 4-5 ऐसे आपराधिक मामले हमारे सामने आए हैं। आत्महत्या तक का शिकार होना पड़ा है, हमारी नाबालिग बेटियों को बेचा जा रहा है, मानव तस्कर का जो ये घिनौना खेल खेला जा रहा है। और प्रदेश की सरकार जो उनका कैबिनेट मंत्री है शिव डहरिया, वो इसको छोटा अपराध मानता है, इस विषय पर वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ कांग्रेस की सरकार की कि इस विषय पर, महिलाओं के विषय पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। जो इतने आपराधिक मामले, अभी 5,500 प्रकरण ऐसे आए हैं और पता नहीं कितने अपराध ऐसे हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं थाने में, अगर उसको भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला सशक्त है तो महिलाओं को तो यहाँ कमजोर किया जा रहा है। उस विषय पर हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिला स्तरीय, इसके बाद हम इसको प्रदेश स्तर में भी करने वाले हैं। माननीय हमारी जो राज्यपाल महोदया है उनको हम ज्ञापन देंगे प्रदेश स्तर लेवल पर, और यह आंदोलन चलता ही रहेगा जब तक भूपेश की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। जो अपराधी हैं किसी को दंड, उनको अपराध का मामला कहीं पर भी खुलासा नहीं हुआ है उसका, उसको दबा दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि अपराधियों को कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए इसके लिए। छत्तीसगढ़ में अभी तक महिलाओं के लिए जो भी कानून थे उसको पिछली सरकार में इतना ध्यान दिया गया या नहीं वो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मेरी नज़र में जब से हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी बैठे हैं तब से उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी सुरक्षा कवच तैयार किया है, जिससे महिलाएँ काफ़ी सुरक्षित भी हैं। और जो आज महिला मोर्चा की महिलाएं वहां बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अपितु मेरे ख्याल से आज पूरे छत्तीसगढ़ में उनका धरना प्रदर्शन है, तो मैं उसका कड़े शब्दों में विरोध करती हूं। और साथ ही मैं ये भी कहती हूं कि जब उनके स्टेट में उनके सीएम आदित्य योगीनाथ जी के शासनकाल में हथरस कांड, जो कि सबसे बड़ा कांड देश का माना गया है, उसकी आज तक न्यायिक जांच नहीं हुई, उसको लेकर के ये क्यों मैदान में नहीं आए? जिस समय सारा देश शर्मसार हो रहा था उस समय भाजपा की ये नेत्रियां कहाँ पे थी? उनको उस समय आकर के यही धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। अगर आप पूरे देश की बेटियों को अपनी बेटी मानते हैं तो हथरस की बेटी अलग, छत्तीसगढ़ की बेटी अलग तो नहीं हो सकती, देश की तो सारी बेटियाँ सबके लिए बराबर हैं। तो वहाँ पे हथरस कांड में जिस समय पूरा देश उबल रहा था, सारे लोग आक्रोशित थे, सड़कों पे उतर आए थे, उस समय भाजपा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आज भाजपा की चंद नेत्रियाँ ये बात साबित करने पे लगी हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो महिलाओं की असमत भी खराब नहीं हो रही है। कुछ लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन